हमने दिए। तो प्रभु जी भगवत गीता की कंटिन्यू चालू किए, पहला अध्याय से कुछ श्लोक तो हो गए, अभी हम उसको नहीं दोहराएंगे। हम भगवत गीता ही कुछ एक श्लोक है, जिस श्लोक के द्वारा हम कुछ भगवान की कथा है, भगवान के ऊपर हमारा किस तरफ विश्वास है, दृढ़ होना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे जीवन में दुख क्यों है, कौन बताएगा? मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, वो हमेशा खुश रहना चाहते हैं, दुखी नहीं होना चाहते, फिर भी उसके जीवन में दुख है, क्यों? मैं जाके बताऊंगा एक बार। तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णा भूलिया जीव अनादि वही मुख है, भगवान कृष्ण को जो भूल जाता है वही मुख। तो भगवान का वही मुख, भगवान को भूल जाता है, विमुख हो जाता है, तो उसके जीवन में दुख का शुरुआत आता है। तो भगवान को भूल करके और क्या, और किसको याद करते हो? धन जौवन पुत्र परिवार, तो इसको ही याद करते हैं, इसका ही चिंतन, इसके ही स्मरण, इसका ही मनन। तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक हमारा मनन चिंतन स्मरण किसका होता है? धन जौवन पुत्र परिवार, जो वो हमारा है नहीं, जो हमारा नहीं है उस वस्तु का वो चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। आप पराई चीज को अपना मनाओगे तो परिणाम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? माता जी बोलिए, समझ रहे कि नहीं? अब बीच बीच में कुछ बोलती रहोगे तो मैं समझूंगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो और मुझे जवाब भी मिल रहा है, नहीं तो मैं सोचूंगा कि आप लोग सो गए, और जो सो गया वो खो गया। तो हम एक्चुअली सोए हुए हैं, जागृति का अवस्था में नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। तो ये साधु संत हमको जगाने आते हैं। हाँ, तो चैतन्य चरितमृत कृष्णदास कबीरदास लिखते हैं, कृष्णा भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख है, बहु दिनों से हम भगवान को भूल चुके हैं, इसीलिए हमारे जीवन का दुख हुई है। कृष्णा भूलिया जीव, हम जीव जो है भगवान को भूल चुका है, इसलिए हमारे जीवन का दुख अपार है, उसका कोई हिसाब नहीं लगा, इतने दुख है हमारे अंदर। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, किसको धन धन नहीं है वो दुखी है, किसकी शारीरिक पीड़ा है वो दुखी है। आप लोग जानते हो कि सात प्रकार के कष्ट है, और सभी लोग सात प्रकार के कष्ट से सामना करते हैं, जन्म मृत्यु 11 व्याधि आदि दैवी आदि भौतिक आध्यात्मिक, इस सात प्रकार के कष्ट में हम सब गुजर रहे हैं। अरे ये सात प्रकार के कष्ट से बचाने के लिए कौन आएगा? माता पिता धन हमारे जौवन हमको बचा सकते हैं? हमारी अभी जो बल है, जो ताकत है, हमारा बुढ़ापा को हमको बचा सकते हैं? यदा ना जौवन पुत्र परिवार या हमारा किसी भी स्थिति को बचा नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमको कष्ट से बचा नहीं सकते हम उसका नित्य क्या करते हैं, हम उसका नित्य क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका चिंतन, उनका स्वरण, उनका मनन। तो हम उन्हीं में ही रह गए, उसके आगे हमारा प्रगति नहीं है, हम भूल गए भगवान को। तो भगवान को भूलने के कारण हमारे जो दुख दुर्दशा है उसी का कारण है। जिस तरफ हम बच्चे परिवार धन का चिंतन मनन और कीर्तन, कीर्तन समझते हैं ना, उनको ही गाते हैं, मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई कोई बताते तो धन की प्रॉब्लम, कोई बताते शरीर की प्रॉब्लम,
तो ये इसका ही हम क्या करते हैं, चिंतन, मनन, स्वरण और कीर्तन, जिसके द्वारा हमें बार बार दुख का सामना करना पड़ता है, हम भगवान को भूले और इसका चिंतन करते। जब हम इस चीज को भूल जाएंगे, जैसा भगवान को भूल के इसका चिंतन करते हैं तो दुख मिलता है, उसी प्रकार जब हम इसको भुलाने में कोशिश करेंगे और भगवान का चिंतन, मनन, स्वरण और कीर्तन करेंगे और उसमें श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे अंदर सुख और आनंद का भी वृद्धि होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस उपरांत हम एक भगवत गीता एक श्लोक लेंगे, जिस तरह हम समझ पाएंगे कि कौन भक्त ऐसा है जो भगवान का चिंतन, स्वरण, बंदन, कीर्तन दृढ़ के साथ किया और उनका हर कार्य भगवान साथ दिया। तो हम इस कथा को इसलिए सुनना है कि हमारे अंदर भी ऐसी कथाओं का श्रवण करते हुए हमारे मंदिर अंदर भी विश्वास का क्या होगा, दृढ़ आएगा। हमारा अंदर तो भगवान के प्रति विश्वास है, इसलिए हम यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आगे हम प्रगति नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है दृढ़ नहीं है। कुछ मात्रा में विश्वास है तब हम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन वो तो विश्वास है दृढ़ नहीं है, जितना परिवार, धन, जौवन परिवार के ऊपर हमारा दृढ़ता है। मेरे पास धन आओगा तो मेरे बच्चे तुम्हें ज्यादा पढ़ाऊंगा, फिर आगे जाके ज्यादा धन कमाएगा, फिर एक बंगला, गाड़ी, घोड़ा खरीदेगा, फिर उसमें मुझे सुख मिलेगा। आप सोचिए, ऐसा कोई परिवार है जो परिवार में सब सुविधा होते हुए भी सुखी है? नहीं है, क्योंकि वो भगवान को भूल चुका है। उसके पास सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है, भगवान नहीं है। और भगवान कहाँ रहते हैं, जहाँ भगवान की भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, और जहाँ भगवान है वहां वैकुंठ है, और जो वैकुंठ है, वैकुंठ का अर्थ है जहाँ पे कष्ट नहीं है, कुंठ का अर्थ है कष्ट, जहाँ कष्टमय। तो ये संसार कैसा है, कष्टमय है, ये वैकुंठ नहीं है, ये कुंठ जगत है, दुखालय है। तो यहाँ पे सुख ढूंढने के कहाँ मिलेगा, फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कि कलियुग में भी हम राम राज्य बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने आप को परिवर्तन लाना होगा। तो परिवर्तन लाएंगे तो हम अपने अंदर भी राम राज्य बना सकते हैं, हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारा देश में, हमारा गांव में, हमारा परिवेश में हम राम राज्य ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को परिवर्तन करना होगा। तो हम चलते हैं गीता की 9 अध्याय और 22 नगर श्लोक में, और उसी श्लोक का तात्पर्य क्या है और प्रभुपाद क्या लिखते हैं, हम इसको बड़ी ध्यान से श्रवण करेंगे। अब मेरे साथ आप बोलिए, अन्यान्य चिंतयन्तं चिंतयन्तं माम माम ए ए जनाः जनाः उपासते उपासते एषां एषां नित्यं नित्यं अभियुक्तानां अभियुक्तानां योगा योगा खेयं खेयं वहामि वहामि अहम् अहम् अन्यान्य चिन्तयन्तो माम अन्यान्य चिन्तयन्तो माम ये जनाः उपासते ये जनाः उपासते एषां नित्यं वियुक्तानां एषां नित्यं वियुक्तानां योगोकेयं वहामहं योगोकेयं वहामहं अन्यान्य चिन्तयन्तो माम अन्यान्य चिन्तयन्तो माम
ये जना पयुपासते ये जना पयुपासते तेषां नित्यं वियुक्तानां तेषां नित्यं वियुक्तानां योगो केयं वामयम् योगो केयं वामयम् अन्यान्या चिन्तो यन्तो माम् अन्यान्या चिन्तो यन्तो माम् ये जना पयुपासते ये जना पयुपासते तेषां नित्यं वियुक्तानां तेषां नित्यं वियुक्तानां योगो केयं वामयम् योगो केयं वामयम् कोई बोल सकते दोहरा सकते हैं अनन्य चिंतो यतो मां ये जना परिपासते अनन्य चिंतो यतो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यं अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्य चिंतो यतो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यं अभियुक्तानां ये जना परिपासते तेषां नित्यं अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्य चिंतो यतो मां ये जना परिपासते अनुवाद आप मेरे साथ दोहराइए किंतु किंतु जो लोग जो अन्य अन्य भाव से अन्य भाव से मेरे मेरे दिव्य स्वरूप का दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर निरंतर मेरे मेरे पूजा करते हैं पूजा करते हैं उनकी उनकी जो आवश्यकता है जो आवश्यकता है उन्हें उन्हें मैं पूरा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ और जो जो कुछ उनके पास है कुछ उनके पास है उसी की रक्षा करता हूँ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अब इसको ध्यान से सुनिए। जो एक क्षण भी कृष्ण भावन मूर्त के बिना नहीं रह सकता वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्वरण पाद सेवन वंदनम अर्चनम दास्यम साक्षम भाव तथा आत्मा निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमल की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्म की शक्ति से पूर्ण होते हैं जिससे भक्त को आत्मा साक्षात्कार होता है और उसी की यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं, यह योगो कहलाते हैं। ऐसे भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। खेयम का अर्थ है भगवान के द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योगों के द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावान भवित होने में सहायता बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावान भवित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। इसको बोलते हैं योगो खय भाव। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानं तनसलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य महाविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूप साग्र जातं सगण रघुनाथ नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाख नित्वंस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कंचन गौरांगी राधे वृंदेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो भगवद गीता 9:22 नंबर श्लोक है तो इस श्लोक के ऊपर हमारा संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम जब समझते हैं कि मैं ही अपने आप को चलाता हूँ, मैं ही अपना अपना घर को मेंटेनेंस करने वाला कौन है, मैं हूँ, जो जिसके अंदर इस भावना है उसका भगवान के प्रति भरोसा नहीं है, तो भगवान इसका योगक है, हम भाव में हम कैसे करेंगे। तो भगवान के प्रति संपूर्ण शरणागत होना इस श्लोक का तात्पर्य, पूर्ण रूपेण भरोसा रखना, समर्पित होना, और जो अन्य अन्य भाव से भगवान का चिंतन वंदन स्मरण पूजा जो भी जो नवोदय भक्ति, तो इस माध्यम से नवोदय भक्ति के माध्यम से हम भगवान की संपूर्ण शरणागत हो सकते हैं। हम थोड़ा समय हम भगवद गीता पढ़ लेंगे, थोड़ा समय माला जप कर लेंगे, उसके बाद माला साइड में और भगवद गीता या भागवतम साइड में, फिर हमका चिंतन वंदन स्मरण फिर पारिवारिक चालू हो जाते हैं। तो इसके द्वारा हमारा दृढ़ता जो भगवान के प्रति जो पूर्ण विश्वास हमारा नहीं हो पाते, जब पूर्ण विश्वास नहीं होता है तो भगवान योगो खेम भव में वो करते हैं, मगर देरी से करते, समय आने से पहले नहीं करते। लेकिन जब हो हम करेंगे, हमारे जीवन में कष्ट होगा, फिर भी भगवान उसका भक्त को निश्चिंत रूप से भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान समय आने पर हर कार्य का अरेंजमेंट करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अरे इस प्रकार जिसके अंदर भगवान प्रति विश्वास होगा वही अन्य अन्य चिंतो यंतो माम माम कर लो, भगवान का चिंतन अन्य अन्य भाव से चिंतन कर सकता है। तो ये अन्य अन्य चिंतन एक श्लोक नहीं, और भगवत गीता 8:14 में 14 नंबर श्लोक में भी ये श्लोक आया है। वो क्या आया, अन्यन चेता सततम जो मांस्वरति नित्यसा तस्या सुलभ पार्थम नित्यम उक्तस्य योगिना। जो योगी अन्यन्य भाव से भगवान का चिंतन भजन स्मरण करता है, भगवान को प्राप्ति करना अति तस्या सुलभ, सुलभ शब्द का अर्थ अति सहज है, भगवान अत्यंत सहज में प्राप्त करेगा, भगवान धाम अति सहज में भगवान को प्राप्त करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। अरे ये जो भगवत गीता के श्लोक हम पढ़ते हैं, जो कंठस्थ करते हैं, इसके ऊपर हमारा संपूर्ण विश्वास होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये और किसी साधारण व्यक्ति का मुखारविंद से निकला हुआ शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान पद्मनाभ, तो भगवान की पद्मनाभ के जो भगवान है उनके मुखारविंद से निकला हुआ शब्द है। तो हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास रखते हैं, तो उनके शब्द के ऊपर भी हमारा विश्वास होना आवश्यक है। तो भगवान को प्राप्ति करना इतना कष्ट नहीं है, बहुत सहज है,
इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। लेकिन हम लोग जा रहे देखो तारे कहो क्या भाषुटी हमारे बढ़िया भाषा में क्या बोलते एक दूसरे का चर्चा आपस के घर के परिवार की चर्चा चालू हो जाते। ओ ऐसा किया वो ऐसा किया वो ऐसा हो गया उधर ऐसा हो गया तो फिर आने ना चिंतन कैसा होगा फिर भगवान को अति सहज में प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए क्या हो जाते वो कठिन हो जाते। तो भगवान कहते मुझे प्राप्त अति सहज है लेकिन कुछ छोड़ना है और किसको और कुछ चीज को पकड़ना है और वो है अन्य न चिंतो ये तो मां। ये जो नवदा भक्ति को हम अपना जीवन में रखना चाहिए हर समय। जब रखोगे तो निश्चित रूप से भगवान प्राप्त होंगे अति सहज में मिल जाएंगे उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो और भगवान की नौ अध्याय की भी 14 नंबर श्लोक में भी कहते हैं सततम कृंतो यंतो मा यतम तम दृढ़व्रता। हर समय में भगवान का कीर्तन भजन स्मरण पूजन ये होना तो नवदा भक्ति जरूरी है लेकिन कैसा होना चाहिए दृढ़ता। आप देखे होंगे हमारा गुरु महाराज चाहे यहाँ से दिल्ली जाए या जू से खड़गर आए वो साथ में क्या लेके आते हैं मालूम आप लोगों यहाँ पे दीक्षित भक्त कितने लोग हैं तो जो महाराज से जो माला लिए माला लेने के समय में महाराज के बाजू में जो डीटी था वो महाराज की डीटी है वो गौर ने थे और उनकी बाजू में भगवान नरसिंह सालग्राम किसने दर्शन किया वो स्वयं गुरु महाराज का डीटी है। महाराज जहां जाते हैं उनका दो सूटकेस खाल विग्रह का है वो ले जाते हैं और उतना 78 उम्र में उतना सेवा करते हैं। दृढ़ता मंगल आरती करना चाहे कितना बजे भी रात को सोए लेकिन सुबह मंगल आरती में आरती करना भागवत लेक्चर देना फिर डीटी सेवा करना। हम दोपहर में बता रहे थे भक्ति का है मुख्य पांच अंग कौन सा है कौन सा है भक्ति का मूल पांच अंग जो भक्ति में हमें प्रगति करने का मदद मिलता है उस पांच अंग से। वो पांच अंग क्या क्या है साधु संग हाँ एक दूसरा नाम जप करना शास्त्र का अध्ययन करना सबसे पहले कौन सा है साधु संग उसके बाद नाम जप भगवत श्रवण और तीसरा चौथा मथुरा वास पांचवा विग्रह सेवा। ये जो पांच है एक भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है भक्ति में प्रगति करने के लिए पांच चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पांचों चीजों में हमको कैसा होना चाहिए सततम कृंतो यंतो मा यतम तम दृढ़व्रता दृढ़ होना चाहिए। जब ये पांचों चीजें हम दृढ़ होंगे तो हमारा भक्ति में प्रगति होगा। जब भक्ति में प्रगति होगा तब हमारे जो बाहरी चर्चा है ग्राम कथा न कहिबो ग्राम कथा न सुनिबो ये बंद हो जाएगा। जो बाहरी की चर्चा भौतिक की चर्चा हमारा धीरे धीरे बंद हो जाएगा तो ये नवदा भक्ति में हम प्रवेश करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा भगवान को प्राप्त करना अति सहज हो जाएगा। और भगवान प्राप्त होने से पहले भगवान कई सारे हमारा परीक्षा लेते हैं जब परीक्षा में हम पास हो जाएंगे तो भगवान बड़ी खुश हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। एक भक्त जगन्नाथपुरी में था तो भगवान ने उनको कहा चलो पनस खाने को जाएंगे तो जगन्नाथ उनको पनस खाने के लिए पनस की बगीचा में ले जाते और कहते हैं तुम ऊपर चढ़ो मैं नीचे हूँ तुम तोड़ के नीचे डालो फिर हम दोनों बाट के खाएंगे। तो जब भक्त ऊपर चढ़ जाता है और नीचे गिराते हैं तो आवाज आते हैं तो वहाँ के जो सिक्योरिटी आकर के
उसको पकड़ लेते हैं और उतना ही भगवान भाग जाते है। फिर सिक्योरिटी क्या करते है, उसको अपने मालिक के पास ले जाते है, फिर उसको पिटाई होते है। तो उसका बहुत लंबा कथा है। ऐसे भगवान अपने भक्त के साथ खिलवाड़ भी करते है, लेकिन भक्तों को क्या करना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। कुछ भी करे, अगर हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे, हम राधा मदन मन जाना ही बंद कर देंगे। तो भगवान भक्तों के साथ ऐसे करते है, खेलते है। भगवान किसके साथ खेलेंगे, भक्तों के साथ खेलेंगे ना, और किसके साथ खेलेंगे। बच्चे तो माता के साथ पुत्र के साथ खेलते है। अभी देखे होंगे एक माँ बच्चे पे कितना प्रेम है, कभी वो बच्चा अरे माता पिता को नाथ मारते हैं, कभी काट दांत से काट लेता है, और माँ भी गुस्से से उनको थप्पड़ लगा देती है। लेकिन फिर दूसरी घड़ी क्या होते हैं, ऐसे ही भगवान भक्त और भगवान के बीच में ऐसा खेल है। तो हम देखेंगे ये एगो कयम भावम्यम किस प्रकार से जगन्नाथ और जगन्नाथ की भक्त के बीच में ऐसा रिलेशन है। तो मैं एक गीता पंडा एक बंधु माँ थी, जो आप लोग सब जानते होंगे, और महाराष्ट्र में भी गुरा कुमार और अनेक संत है, नरसिंह मेहता, तो ये लोग के साथ में भगवान योगो खेम बह मेम किया है। तो प्राय आप लोग नरसिंह मेहता, गोरा कुंभार और बंधु महांती और गीता पंडा, ऐसे अनेक भक्त है जो भगवान के साथ इनका ऐसा लीला हुआ, तो भगवान इनका योगो खेम बह किया है। अब इस कथा से आप समझ पाओगे कि भगवान उनकी भक्ति के पास कैसा योगो खेम बह मेम किए। तो जाजपुर कटक जाजपुर को गए, कटक में पड़ते ना जाजपुर, तो कटक में जाजपुर एक गांव है, जिस जगह में बंधु महांती नाम का एक भक्त रहता था। जाति में कौन सा था वो, पटना एक, और लिखना पढ़ना करने वाला व्यक्ति था, तो पटना एक। लेकिन भगवान के भक्ति में इतनी दृढ़ था, तो पहला भगवान की सेवा, उसके बाद वो अन्य कार्य वो करते थे। और उनकी फैमिली में वो लोग पांच जन थे, दो लड़की और एक लड़का और पति पत्नी। तो बंधु महांती प्रत्येक दिन सुबह उठना, स्नान करना, भगवान की पूजा पाठ करना, जपा करना, भागवत पढ़ना, ये सारे कार्य को समाप्त होने के बाद वो भीख मांगने में जाते थे। पहले कोई भक्त या ब्राह्मण कोई नौकरी सर्विस नहीं करते थे, नौकरी तो शूद्र लोग करते हैं, ब्राह्मण का नौकरी करना अलाउड नहीं है। लेकिन ये भक्त होने के कारण ये भी नौकरी नहीं करते थे, वो भिक्षा मांगने को जाते थे। जो भी कुछ भिक्षा में मिल जाता था अपने परिवार के साथ उतना खा करके वो संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन ऐसी समय आया जहाँ पर कटक में जाजपुर में क्या बोलते हैं अकाल पड़ा। तो अकाल में सारे आजू बाजू गांव वाले को सभी को खाने का अभाव हुआ, तो उनको कौन भिक्षा देगा। तो कुछ दिन तक उसी गांव में जब अकाल पड़ा तो उसी गांव के सारे लोग गांव छोड़ करके अपने अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, अपने अपने रिश्तेदार के पास चले गए। क्योंकि वहां पे जब अकाल पड़ता है तो कई दिन तो कुछ अनाज मिलता नहीं, तो रह के क्या करेंगे। तो अपना अपने जो बंधु जो रिश्तेदार है उनके पास चले गए। तो बंधु महांती की पत्नी अपने पति से कहा, देखो सभी लोग तो गांव से चले गए, हमें भिक्षा देने के लिए तो कोई नहीं रहा, तो हमारा जीवन यापन कैसा होगा। हम तो बड़े भूखा क्रुदा को संभाल सकते, लेकिन बच्चे लोग को तो संभाल नहीं सकते, क्या करें। देखो तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार है, कोई बंधु है, तो हम भी उनके पास चले जाते हैं। बंधु महांती ने कहा, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बंधु नहीं है, एक ही बंधु है जो बहुत दूर से रहते हैं, और वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है, कैसे जाएंगे। तो बंधु महांती की पत्नी ने कहा, कौन है तुम्हारा बंधु। ना जगन्नाथपुरी में मेरा बंधु रहते हैं, और जो उनके पास जाते हैं कभी खाली हाथ में नहीं लौटते,
और हमारा गरीब परिस्थिति को देखिए कुछ ना कुछ हमारे लिए व्यवस्था करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरे बंधु मान की पत्नी ने कहा, अरे विलंब क्यों, तुरंत निकलो। अरे वो बंधु मान थी अपने दो बच्चे को खांत पे लिए और एक बच्चे को बंधु महाती का पत्नी ने लिया और दोनों धीरे 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 चलने लगे। दिन और रात चलते चलते चार दिन के बाद जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे, जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे तभी रात को 12 बज गया था। तब देखे सियान द्वार में दरवाजा बंद हो चुका था। जब सियान द्वार बंद हो जाता है तो दक्षिण द्वार से कोई पंडाल लोग बाहर निकलते हैं। भगवान को सुलाने के बाद वो दक्षिण द्वार से बाहर निकलते। ये बात बंधु महंत की पता था। तो बंधु महंत ने कहा, चलो अपनी पत्नी से कहा, चलो दक्षिण द्वार में जाते। तो जब दक्षिण द्वार में आए देखा तो वो भी लक है और कोई वहां पर है ही नहीं। तो बंधु महंत अपने पत्नी को कहा तुम यहाँ पे बैठा रहो, मैं थोड़ा देखता हूँ, कोई अगर सिक्योरिटी अगर या कोई मिल जाए तो हम मैसेज दे देंगे कि हम आ चुके हैं, हम बंधु महंती है जाजपुर से हम आए हैं, हम खबर भेज देंगे हमारे बंधु के पास, तो कुछ ना कुछ हमारा व्यवस्था कर देंगे। तो देखें तो कहीं भी चारों द्वार में कोई भी नहीं है, तो निराश होकर आ गए। तो आकर के अपने पत्नी को उन्होंने थोड़ा सा झूठ कह दिए, देखो रात ज़्यादा हो गया, अब ऐसे ही हमारा बंधु के पास मेरे जैसे अनेक बंधु है जो उनको मिलने के लिए सब आए हैं, लाइन पे खड़े हैं, और इतना रात को परेशानी करना ठीक नहीं है, चलो जो भी हमें कुछ मिलता है वो खा करके हम सो जाते हैं, सुबह उठते तो देख फिर बंधु से मिलते हैं। तो अभी इतने रात को क्या मिलेगा, कहाँ से क्या लाओगे तुम? तो उन्होंने कहा, देखो आप कोई देखोगे दक्षिण द्वारा में जो जगन्नाथ भगवान के लिए ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बनता है उसके जो चावल की जो पानी है तो उसका एक नाला है जो दक्षिण द्वार में आकर के गिरता है। तो उसने क्या किया, तो उस नाला से जो पानी बहता था उस पानी को अपने लोटा में भर के लाए और थोड़ा सा बच्चे लोग को पिला दिए और पत्नी को पिला दिए और खुद थोड़ा सा पी करके सो गए। थोड़ा समय के बाद अंदर से एक पंडा आया, स्वयं भगवान जगन्नाथ ने एक भक्त के रूप में एक पंडा के रूप में दक्षिण द्वार के पास आए और उनको पुकारा, बंधु महंती कौन है, बंधु महंती कौन है? तो जगन्नाथ जी ने उनके लिए महाप्रसाद भेजे, ले जाइए। तो बंधु महंती आग खोला, सुना तो है बंधु महंती का नाम से पुकार रहे कोई पुजारी, लेकिन उन्होंने सोचा मेरे जैसे अधम पापी गरीब को कौन पुकारेगा आधे रात को, और किसी बंधु महंती को कोई पुकारता होगा? तो उन्होंने वापस सो गया। तो जगन्नाथ समझ गए ये भक्त ऐसा सुनने वाला नहीं है। तो फिर जगन्नाथ ने बड़े जोर से फिर पुकारे, हे जाजपुर की बंधु महंती, आपके लिए जगन्नाथ जी ने महाप्रसाद भेजा है, आप उसको लीजिए। तब बंधु महंती ने वहां से उठा और गेट पे दौड़ के गया। जिस थाली में भगवान स्वयं, जो सोने के थाली में भगवान स्वयं रात का प्रसाद ग्रहण करते हैं उसी थाल को जगन्नाथ ने उठा के लाए और बंधु महंती को दे दिए। तो बंधु महंती ने वो थाली को तुरंत ले गया, अपने पत्नी को दिया, पत्नी ने बच्चे को जगाया और दोनों बच्चे को प्रसाद खिलाया और खुद तीनों बच्चों को खिलाया और खुद खाए और उनको पतिदेव भी खाया। उसके बाद थाली को धोने के बाद बंधु महंती ने फिर गेट पे दक्षिण द्वार गेट पे जब पहुंचे देखे तो पंडा वहां पर नहीं है, तो उन्होंने भी चिल्लाया पुजारी जी का नाम लेके, पुजारी जी आप थाली ले जाइए। कोई नहीं सुना। तो उनका पत्नी ने कहा,
अभी रात बहुत हो चुका है, तो पुजारी सोने को चला गया होगा। ये थाली हम अपने पास रहने दीजिए, सुबह हम दे देंगे। तो बंधु महंत ने देखा कि सोने का थाली है, कोई चोर आके उठा के ले जाएगा, क्या करें। तो उनके पास कुछ फटेला कपड़ा था, उन फटेले कपड़े के द्वारा उनको क्या किया, लपड़ करके अपने सिर के नीचे दे करके सो गए। और जैसा कि 4:30-5 बजता है तो जगन्नाथ को उठाने के लिए पंडा आता है, तो उसी समय बाल भोग लगते हैं। तो बाल भोग के लिए पंडा जब थाली ढूंढने लगा तो थाली नहीं था। जब थाली नहीं मिला तब क्या हुआ, पंडे एक दूसरे से चर्चा होने लगा। रात को भगवान की शयन के लिए कौन पुजारी था, वो थाली ठीक से रखा कि नहीं रखा, फिर इंक्वायरी होने लगा। तो इंक्वायरी होने लगा, उसके बाद राजा के कान तक पहुंच गया ये बात। और राजा ने सब परी को लगा दिए, कहे कि देखो जो भी चोर ने इसको लिया है कि तो बाहर नहीं गया होगा, इस पूरी क्षेत्र के अंदर ही होगा, उसको ढूंढो। तो राजा के सारे चौकीदार लोग क्या किए, ढूंढने लगे। जैसे कि सूर्य उदय होते होते थोड़ा ऊपर आने लगे, सूर्य का किरण के द्वारा वो जो बंधु महादी सोया हुआ था उनके ऊपर जब सूर्य का किरण पड़ा, तो उनके जो फटा हुआ कपड़ा में सोने के थाली को बांध के रखे थे, तो जब उसी के ऊपर सूर्य किरण का तेज पड़ा तो उनका थाली का चमकने का चमकने का तो उजला था जो दिखाई दिया। तब कोई सिक्योरिटी गार्ड ने उनको देख लिया कि क्या चमकता है, और उनके पास गया और उसको खोलने लगा, तो देखा तो ये भगवान की प्रसाद ग्रहण करने वाली थाली है। तो उनको तुरंत पकड़े और राजा के पास ले गए। देखिए भगवान कैसा खिलवाड़ करते हैं। तो राजा के पास ले गए तो राजा ने उनको बहुत सारे पिटाई किया। तो उन्होंने जो भी कुछ कहा उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो चोर समझ के उसको पिटने लगे। दिन भर पिटाई हुआ, फिर रात को उनको कमरे में जेल में डाल दिए। और उसी दिन रात को राजा को जगन्नाथ का सपना हुआ। तो राजा को सपने में आया जगन्नाथ आकर के बोलते हैं, वो मेरा बंधु था, मेरा थाली में अपने बंदी को प्रसाद खिलाया, तुम्हारा बाप का क्या जाता है, तुमने उसको बंदी साले में डाला और उनको पिटाई किया। तुम नहीं जानते हैं वो जाजपुर कटक से चलते चलते इतनी दूर आया, तो मेरे द्वार में जब आया मेरे बंधु, तो मेरा कर्तव्य है उनको रहने का जगह देना, उनको भोजन देना, जल पान कराना, ये मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म को निभाया। तुमको क्या दिक्कत है, तुमको उसको जेल में डाला और उसको इतना पिटाई किया। तो राजा ने तुरंत नींद टूट गया और राजा ने जगन्नाथ से प्रार्थना किया कि हे जगन्नाथ, मैं आपकी भक्तों के चरण में जो अपराध किया मुझे क्षमा कीजिए और मुझे आदेश दीजिए, मैं बंधु महादी का क्या कर सकता हूँ। तब जगन्नाथ ने उनको कहा कि इस बंधु महादी को मेरे सेवा में लगाओ और उनके लिए घर का व्यवस्था बनाओ और आजीवन, तो उनका जो परंपरा भी वो मेरा सेवा में रहेगा, तो उनके लिए आजीवन के लिए उनका व्यवस्था बनाओ। तो राजा ने दक्षिण द्वार के बाजू में एक छोटा सा घर है जो कि राजा ने उनको एक घर बना करके दिया, और उसी घर में बंधु मानती अपने परिवार के साथ में वहाँ रहा। और आज भी उनकी जो घर की जो परंपरा है जगन्नाथ की सेवा में जुड़े हुए। देखिए भगवान उनका क्या था और क्या उनको प्रदान किया, योग क्षयम वहामेव, उनके भगवान के प्रति जो उनका जो भक्ति था, तो भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान के साथ जुड़ा हुआ रखना, उनको भगवान से उनको अलग नहीं किए, भगवान अपने से उसको अलग नहीं किए। और क्या नहीं था जो उनको प्रदान किए, उनके लिए रहने का घर नहीं था,
उनको भोजन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था और ये दोनों भगवान ने उनका व्यवस्था बनाया। सिर्फ ऐसे ही एक मिश्रा नाम का एक ब्राह्मण था जो उत्तर प्रदेश से आकर के जगन्नाथपुरी में रहा करता था। मिश्रा जात का ब्राह्मण एक व्यक्ति था तो जगन्नाथपुरी में रहा करता था। उनका भी नियम ऐसी था, प्रत्येक दिन गीता की 700 श्लोक पाठ करना, उसके बाद भगवान का पूजा करना, अर्चना करना, जपा करना, उसके बाद 7 व्यक्ति के द्वार पर जाकर भीख मांगना और जो भीख मिलता था उसमें अपना परिवार चलाते थे। तो जो मिश्रा करके एक ब्राह्मण था उसकी पूरी में उनको सारे लोग क्या नाम दे दिया, गीता पंडा, क्योंकि प्रत्येक दिन 700 श्लोक गीता पाठ करता था, इसलिए उनका नाम रख दिया गीता पंडा। गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति का नाम गीता पंडा रखा गया। तो उन्होंने सेम बंधु मांड का जैसा उनका भी कथा है। तो ऐसा एक दिन आया तो उनको कुछ भीख नहीं मिला तो उनका पत्नी ने कहा, तुम गीता लेके बैठने से आप लोगों, ये जो हकीकत है जो आज भी कई भक्तों के घर में वो परिस्थिति है, आज भी है। तो गीता पढ़ा, जब गीता लेकर के बैठता था तो उसके बाद जाकर के कुछ भिक्षा मांग के लाता था। ऐसा कुछ दिन के बाद उनको भिक्षा नहीं मिला, एक दिन भूखा रह गया, दूसरा दिन भूखा रह गया, तीसरा दिन उनकी पत्नी ने कहा, तुम तो भूखा साल हो गए, मैं तो साल होऊंगा, लेकिन बच्चे लोग भूखा से तड़प रहे, आप गीता लेके बैठोगे तो क्या आपका पेट भर जाता है क्या, हमारा परिवार सभी परिवार कुटुंब का पेट भरेगा गीता पढ़ने से, अब जाओ कुछ धन कमा के लाओ। आज भी ये स्थिति हम सभी का है, अगर हम 2 दिन ड्यूटी पे नहीं आएंगे घर में बैठे गीता पाठ करना शुरू कर देंगे तो हमारा पत्नी भी हमको ऐसे ही बोलेगी। तो ऐसे गीता पंडित की पंडा की पत्नी उनको कहा, तुम जाओ कुछ रोजगार करके लाओ, बच्चे तड़प रहे भूखा उपास में, अब गीता लेके बैठ गए हो। तो गीता पंडा ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो आप भगवान के प्रति विश्वास रखो, भगवान अति दयालु है और पति तपावन है, हमारे जैसे पतितों का उद्धार के लिए भगवान का नाम है पति तपावन, भगवान निश्चित रूप से हमारा कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम अपने स्वधर्म को नहीं त्यागना चाहिए। हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है हरि नाम जपना, पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना, गीता पढ़ना, हरि बोल हरि बोल, ये हमारा धर्म है, हम अपना धर्म से दूर नहीं होना चाहिए। तो एक दिन ही सुन लिया पत्नी ने, दूसरा दिन ही सुन लिया, तीसरा दिन कहने लगा, अभी मैं नहीं सहन करूँगा, अब जाइए कहीं से भी भिक्षा मांग कर बुलाइए, गीता लेके बैठने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा या मेरा पेट नहीं भरेगा, तो भूखा उपास में हमारे बच्चे लोग तड़क तड़ी मर जाएंगे और उसके बाद हम भी मर जाएंगे, तो गीता पढ़ के क्या फायदा है, जाओ अब कमा के लाओ। तो उनको पत्नी को उन्होंने क्या किया, अति सरल भाषा में समझा करके अपने पास बिठाया और भगवत गीता उनको सुनाया। देखो भगवान ने क्या क्या चीज ने बताया, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, निश्चित रूप से भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, अब इतना टेंशन मत लो। उनको समझाया और अंतिम में ये श्लोक का सुनाया, पढ़ के सुनाया, तभी तो उनकी पत्नी तो अंदर से जल रही थी कि ये तो गीता 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 के ऊपर ही चर्चा करने लगा और मुझे समझाने लगा, इधर बच्चे लोग तड़प रहे हैं, तो किस भाषा में किस माध्यम से मैं अपने पति को कहूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना गुस्सा दिखाया, तो उनके हाथ से
वो गीता को छोड़ाया हाँ, और कहने लगा ये जो भगवान ने ये शब्द जो कहा है ना ये झूठा है, अगर सही होता तो तीन दिन से हम उपवास में है, तो भगवान ने योगो गयम भाव में हम क्यों नहीं किया, हम लोग उपवास में क्यों तड़प रहे हैं, ये भगवान ने गलत बोला है। तो उनको क्या किया, उन्होंने अपने मथा पे लगा हुआ पीन को निकाल कर उन्होंने क्या किया, कट दिया, ये गलत है। तो जैसे ही भगवत गीता पाठ करने वाले गीता पंडा देखा कि उस पाने को उनकी पत्नी ने फाड़ दिया, तो उनके अंदर क्रोध जागृत हो गया। उन्होंने अपने पत्नी को इधर उधर का बात बकने लगा और अंत में रोते रोते जाके गीता पंडा ने सो गया। पत्नियों का तेरे द्वारा बड़ी अपराध हुआ, मैं तुमको क्यों समझाया, तुमने ऐसा क्यों काम किया, मेरे से बड़ी अपराध हो गया, ऐसा भगवान को प्रार्थना करते रोते रोते जाकर के सो गया। और उसके बाद हुआ क्या, स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलराम दोनों क्या कि एक बैल के गाड़ी में दाल सब्जी राइस गेहूं जो भी घर की जो सामान था सब एक बैल का गाड़ी में लद करके गीता पंडा के द्वार पे पहुंचे। एक भाई आगे दूसरे भाई पीछे, तो दोनों भाई जब गीता पंडा के द्वार पे पहुंचे, गीता पंडा का दरवाजा लक था, उनकी पत्नी बच्चे भूखा उपासना क्या करेंगे, सब ऐसे ही सो गए थे। तो दरवाजा खटकाने के बाद उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि एक काला और एक सफेद दो जोड़ा भाई जैसा लग रहा है, लेकिन एक काला है और एक है गोला है सफेद है। और बैल गाड़ी में बहुत सारे सामान भर के लाया, तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, क्यों दरवाजा ठटाया? तो दोनों भाई ने कहा तुम्हारा जो पति देव है ना, हमारा मालिक का मित्र है, बंधु है, तो हमारा मालिक ने, हमारा मालिक का बहुत बड़ा गोदाम है किरान का, तो उन्होंने सारे घर का किरान सामान भेज दिया और हमको कहा तुरंत खाली करके आ जाओ। तो गीता पंडित की पत्नी बड़ी खुश हो गई और ये दोनों भाई पूछा कहाँ रखना है, हमको जगह बता दीजिए। तो उन्होंने एक रूम दिखा दिया और दोनों भाई ने तुरंत क्या किया, बैल गाड़ी में जितने नथा हुआ सामान था गुनी था वो सब तुरंत खाली करके कहाँ रख दिया, गीता पंडा की घर में रख दिया। और अंत में कहा माता जी अभी हमारा काम हो चुका है, हम जा रहे हैं, जैसा कि गीता पंडा निद्रा छूटेगा खुलेगा तो बोल देना कि उनका मित्र ने इसे भेजा है। तो गीता पंडा की पत्नी ने कहा आप इतना मेहनत किए इतना श्रम किए, कुछ नाश्ता पानी करके जाओ, कुछ जल पान करके जाओ। तो उन्होंने जो काला व्यक्ति था वो कौन था, वो जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ ने कहा देखो माते मैं परिश्रम तक किया हूँ, मुझे तो भूख प्यास हूँ, मगर अभी मेरा स्थिति ऐसा है मैं आपके हाथ से एक जल बूंद भी पी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देखिए ना मेरा जीभ को देखिए, मेरा जीभ दो जगह पे कटा हुआ है, मैं कैसे पानी पीऊँ, मैं वो जल पीने के असमर्थ हूँ, इसलिए मैं नहीं पीऊँ पा, फिर कभी मौका मिले फिर आंखें पी लूँगा, और ऐसा कह करके अपना जीवा दिखा करके वो चले गए। तेरे गीता पंडा की पत्नी बड़ी खुश है, घर में साल भर का राशन भर चुका था, तो उन्होंने बड़ी खुश है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने पतिदेव को उठाया और कहा देखो देखो तुम्हारा मित्र ने क्या किया, इसको लेके आओ। तो उन्होंने देखा, उठ के देखा, अरे घर में सारे दो झापड़ मारो किराने का सामान है, पीछे जाके दो झापड़ मारो। उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा ये सारे सामान किसने लाया है घर में,
ना एक काला एक सफेद दो व्यक्ति थे, बैलगाड़ी में सब ला करके सामान उतर करके चले गए। काला और सफेद वो समझ गए, काला और कौन है और सफेद कौन है, लेकिन फिर पूछे वो दोनों कौन थे, कौन उनकी उनके हाथ से इतना सामान भेजा, तुम पूछा कि नहीं? ना जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा पति का एक बंधु है, मित्र है, जिनका किरण का गोदाम है, उन्होंने ये सारे सामान भेजा है और हम उनका नौकर है, हम यहाँ खाली करके चले जाएंगे। और खाली करके चले गए और जब उनको मैंने जल पान करने के लिए स्वागत किया तो उन्होंने अपना जीभ निकाल के दिखाया। वो काला व्यक्ति का जो जीभ है वो कटा हुआ था, इसलिए वो जल भी ग्रहण नहीं किए, चले गए। फिर दोबारा कब आएंगे तो खा पी के जाएंगे, ऐसा बोल के चले गए। तो ये सारे बात को सुनते हुए गीता पढ़ने नहीं समझ गया, ये दो ये और कोई नहीं है, ये और कोई नहीं है, ये स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलराम जी है। और जिस जगन्नाथ, जय कृष्ण सही गौरव सही जगन्नाथ, जो कृष्ण है, जिस कृष्ण ने भगवत गीता की उपदेश अपने जीवे के द्वारा उपदेश दिया था और उसी उपदेश को मेरे धर्म पत्नी ने अपने पिन के द्वारा उसको फाड़ दिया था, तो उसी का जीवन फटा हुआ है। उन्होंने भगवत गीता की शब्द को ऊपर उन्होंने क्या किया, अपने पिन के द्वारा कट मारा, ये गलत है करती, लेकिन भगवत गीता को नहीं काटा, किसको काटा, भगवान की जीभा को, क्योंकि भगवान की जीभा के द्वारा ही भगवत गीता का उच्चारण हुआ था। तो जो भगवत गीता को फाड़ता है या तोड़ता है या मोड़ता है तो किसको तोड़ता है, भगवान, क्योंकि भगवत गीता और भगवान में कोई भेद नहीं है, साक्षात भगवान भगवत गीता में उपस्थित है, जिसको हम लोग जानते हैं शब्द ब्रह्म के रूप में। भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में भगवत गीता या भागवत के रूप में है। अब प्रभु जी ने आप लोग कहा होगा भगवत गीता की पहला अध्याय से कौन सा अध्याय तक उसी रहे, बताए कि नहीं बताए, बताए थे ना प्रभु जी, बताए थे ना, नहीं ये सुंदर रूप को बताया था लगता है, सुंदर पदम पुराण में ये लिखा है। ये जो भगवत गीता भगवान का शरीर का एक एक पार्ट से, जैसा हम लोग जानते हैं हमारा सिर ब्राह्मण है, हमारा बाहु क्षत्रिय है, हमारा पेट वैश्य है और हमारा पैर शूद्र है, उसी प्रकार भगवत गीता को ऐसा चार भाग में विभक्त किया गया। तो भगवान का साक्षात रूप है भगवत गीता, भगवत गीता और भगवान में कोई भेद नहीं है। लेकिन आज के समाज में लोग इतने मूर्ख हो चुके हैं, जब हम किसी को घर में जाते हैं भगवत गीता लेके, कहते हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्यों, उनको भगवान नहीं चाहिए और क्या चाहिए, दारू का बाटल ले लो उसको स्वागत करेंगे, 2 किलो मटन लेके जाओ स्वागत करेंगे, लेकिन एक भगवत गीता लेके जाओ कहेंगे घर से भगा देंगे। भगवत गीता जयंती में हम प्रभु लोग उस गए थे एक चाली में, एक माता जी ने हमें पूछा तुमको ये चाले में एंट्री होने के लिए कौन दिया, तुम देखा नहीं वहां पे बोर्ड लगाए नो एंट्री, करुणा नो एंट्री। एक लेडीज ने, हम 4-5 डिवोटी है, हमको पूछते और कहेंगे हम हिंदू है, गर्भ से कहो हम हिंदू है, लेकिन एक हिंदू के ग्रंथ तो उनके घर में नहीं है और कहे कि गर्भ से कहो हम हिंदू है, लेकिन हिंदू का एक बुंदू भी उनके पास नहीं है। हिंदू का जो गुण है जो स्वभाव है उनके अंदर एक बिंदु भी नहीं है, लेकिन कहेंगे गर्भे से कहो हम हिंदू है। अरे हिंदू बनने के लिए तो अपना ग्रंथ को घर में रखो, उसको पढ़ो, उसको अपनाओ, अपना जीवन को सुधारो, उसके बाद कहो गर्भे से कहो हम हिंदू है। घर में सब कुछ है लेकिन भगवत गीता नहीं, लेकिन कहेंगे हम हिंदू है, ये भगवत गीता की उपदेश है। तो ऐसा अनेक उदाहरण है। तो भगवान योगो खयम बहा में, तो भगवान है उस गीता पंडा को
जो भगवान के साथ में जुड़े हुए रहा था उनको जुड़ा होके रहने के लिए दिया, और जो उनके पास नहीं था वो भी उनको पहुंचा दिया। तो सेम ऐसे ही आप नरसिंह मेहता का कथा सुनते होंगे, गुरा कुमार का कथा भी ऐसी है, तो अनेक उदाहरण है। तो ये भगवान भक्तों की जो ये कथा है हमें बार बार श्रवण क्यों करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे जीवन में भी हम उसका जो चिंतन होगा, स्मरण होगा, मनन होगा, तो हम किसी दुविधा में जब पड़ जाते हैं और इसको चिंतन करने से हम वो दुविधा से पार हो जाते हैं। इसलिए ये सब हमको चिंतन, बंधन, स्मरण करना बहुत आवश्यक है। नरसिंह मेहता का बेटी को भगवान ने शादी कराया, गुरा कुमार का बच्चे को जिसने अपने पैर से कुचल की खत्म कर दिया था उनको बचा लिया, और उसी गोरा कुमार का घर में एक बार आग लग गया था और उसमें दो पिल्लू थे, तो पिल्लू को भी भगवान ने बचाया था। तो अनेक कथा है शास्त्र में जिसको पढ़ने से, जिसको चिंतन स्मरण करने से हम अगर उसी समय अगर उसी दुविधा में पड़ जाते हैं उसको चिंतन करने से हम उससे बच जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों को पढ़ना बहुत आवश्यकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा गुरु महाराज कहते हैं भक्त को तीन चीज, हमारे पे स्मरण होता है क्या, भगवान का स्मरण होता है, कितना लोग को स्मरण होते हैं 24 घंटा भगवान का स्मरण कितना लोग होते हैं, 12 घंटा किसको होते हैं, 6 घंटा किसको होते हैं, 3 घंटा किसको होते हैं, 3 घंटा भी नहीं होते हैं। अरे 2 घंटा जप, 1 घंटा पढ़ाई, 3 घंटा हो गया। तो इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो होगा, निश्चित होगा। जब हमारा स्वरण भगवान गुरु महाराज कहते हैं आप अभ्यास करो, क्या अभ्यास करो, स्वरण होने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए, हरि नाम का जपा, भागवत श्रवण। आप ध्यान पूर्वक जपा करोगे, ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करोगे, जो सुनोगे और उसको निश्चित रूप से मनन होगा। पूरा 100% याद नहीं रहेगा, लेकिन 10% रहेगा। अगर बार बार आप अभ्यास करोगे तो क्या होगा, हम एक बार थिएटर में जाकर बैठ जाते हैं, पिक्चर देख लेते हैं तो गाना याद आ जाते हैं, तो उसको हम बार बार उसको रटते रहते हैं। वैसे भगवान की नाम रूप लीला का अगर श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे तो हमारा भी क्या होगा, चिंतन होगा। और जिसको भगवान का चिंतन होता है हाँ, वो धीरे धीरे उसका भौतिक चिंतन खत्म हो जाएगा। जैसा जैसा भगवान की चिंतन वृद्धि होगा ऐसा ऐसा हमारा क्या होगा, भौतिक चिंतन खत्म हो जाते हैं। जैसा भौतिक चिंतन खत्म होगा तो हम दुख हो आने पर भी हम विचलित नहीं होंगे। इतना समस्या आने के बाद भी गीता पंडा विचलित नहीं हुआ, बंधु महंत विचलित नहीं हुआ, तुकाराम महाराज को इतना समस्या आया हुआ वो भी विचलित नहीं हुआ, ननेसर महाराज के परिवार में इतना भी परेशानी होना पड़ा फिर भी वो लोग ने विचलित नहीं हुए। क्यों, क्योंकि वो भगवान का मनन चिंतन बंधन करते थे, तो अपना आप को वो क्या करते थे, वो चिंतन के द्वारा बोध करते थे, इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए श्रवण और कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पिछले एकादश का दिन जो जगन्नाथ गुहा पर हमारा कीर्तन था तो कहीं बहुत कम भक्त थे, तो हम भागवत के कौन सा अध्याय, 12 अध्याय, 12 अध्याय में कुछ श्लोक है जो हमने पढ़ के सुनाया, जो भागवत श्रवण का महिमा, भागवत श्रवण की महिमा हमने उस दिन पढ़ के सुनाया, और कहा कि घर में जाने के बाद इस श्लोक आप पढ़ो, तो उसमें लिखा गया एक श्लोक को आधा श्लोक को आधा से आधा, आधा से आधा भी आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका जीवन का लाभ होगा। एक हमारा जीवन का लाभ भागवत श्रवण से है, तो आधा से आधा, आधा से आधा क्यों करना, पूरा क्यों नहीं पढ़ना,
जो पूरा लाभ उठाने के लिए पूरा पढ़ना चाहिए। और एक श्लोक नहीं, जितना समय मिलता है उतना समय उतना श्लोक पढ़ना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतरना चाहिए। नहीं तो श्लोक कंठस्थ कर लोगे लेकिन जीवन में नहीं उतारोगे तो ऐसी कंठस्थ तो किस काम की है, कुछ काम की नहीं। इसलिए भागवत का श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो भगवान विष्णु का स्मरण होने के लिए श्रवणम कीर्तनम बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दो चीज को जब हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भगवान का स्मरण होगा। जब भगवान का स्मरण होगा तो भौतिक स्मरण खत्म हो जाएगा। जब भौतिक का स्मरण खत्म होगा फिर दुख से हम बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमको दुख से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का दुख का मूल कारण क्या है, क्या है? कृष्ण भुलिया जीव अनादि वही मुख होया। अनादि काल से हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भूल चुके, इसीलिए हमारा दुख है। जब हम उस दुख से बचना चाहते हैं तो हमारा क्या करना चाहिए, भगवान का चिंतन, जो भुला हुआ चीज को याद करना चाहिए। जीवर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, मैं भगवान का सेवक हूँ, यही भूलिया जीव, हम इसको भूलने के कारण तो अनादिकाल से हमको दुख मिलता है। तो इसको हमको स्मरण करना, चिंतन करना, मनन करना बहुत आवश्यकता है, ठीक है। हरे कृष्ण।